सुरंग से जिंदगी की जंग जीतकर बाहर आए मजदूरों को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने सभी रेस्क्यू मजदूरों से मुलाकात की है, तो वहीं मजदूरों के बाहर आते ही देश में मानो दिवाली की धूम मच गई हो। मजदूरों को बाहर निकाले जाने के साथ ही देश में एक नई उमंग देखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों और रेस्क्यू अभियान में जुटे कर्मियों के मनोबल और साहस की जमकर सराहना की है। सीएम धामी ने बाहर निकाले जा रहे श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात भी की, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों को सलाम किया है और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में जुटे रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओर जहां इसको लेकर ट्वीट किया, तो दूसरी ओर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुशी जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मुझे बहुत खुशी है कि सिल्कियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स ने रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं, हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर रही है। टनल में फंसे साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बहुत संतोष की बात है कि आप लंबे समय के इंतजार के बाद हमारे ये दोस्त अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इस चुनौतीपूर्ण समय में इन सभी परिवारों ने जो धैर्य और साहस दिखाया, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं सभी के जज्बे को सलाम करता हूँ। इस बचाव अभियान से जुड़े लोग, उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल सभी लोगों ने मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल कायम की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।